उत्तरी फ्रांस के नॉर्मैंडी के एक बार में भयंकर आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। इस भीषण आगजनी में ज्यादातर युवा पीड़ित हैं। बार में आग उस वक्त लगी जब ये युवा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। ये बार नॉर्मैंडी के सिटी ऑफ उवा में है। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार्ड कैसनेव ने शुरुआती जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में 13 लोग मारे गए हैं और 6 लोग जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि आग क्यूबा लिबेरे बार के बेसमेंट में लगी, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गृह मंत्री का कहना है कि इस घटना की जांच की जा रही है। स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 18 से 25 साल के बीच की है। मृतकों के शव को रुआन के विश्वविद्यालय अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आग उस वक्त लगी जब केक के ऊपर जलाने के लिए मोमबत्ती रखी गई। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।